नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वेटनरी मेडिसिन रिव्यू में। दोस्तों, आज मैं ये चौथा वीडियो किसी मिनरल मिक्सचर पे करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको इंटास फार्मास्यूटिकल के मिनफा गोल्ड के बारे में बताने वाला हूँ। आज इस दवा के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बगल में बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अब अगर हम बात करें मिनफा गोल्ड की, तो इसके 1.2 केजी में, मतलब कि जो ये आपका पैक है वो 1.2 किलो का है, मतलब 1200 ग्राम का, तो इसमें कैल्शियम पड़ा हुआ है 255 ग्राम और फॉस्फोरस है 127.5 ग्राम। जो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलके आपके जानवरों के दुग्ध उत्पादन और हड्डी को मजबूत करने का काम करते हैं। इसमें मिला हुआ है मैग्नीशियम 6 ग्राम, ये आपके जानवर की जो मसल फंक्शन होती है यानी जो मांसपेशियों की कार्य को सही करता है मैग्नीशियम। फिर इसमें मिला हुआ है मैग्नीज 1.5 ग्राम, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रिलीज यानी निकलने को रेगुलेट करता है, मतलब उनको कब कितना सेक्रेट होना है उसको मेंटेन करके रखता है। आयरन की बात करें तो ये हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस यानी आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है और खून को बढ़ाता है। आयोडीन जो इसमें मिला हुआ है वो है 325 mg, ये आपके जानवर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और ये प्रमुख रूप से आपके जानवरों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी चयापचय की क्रिया होती है उसको मेंटेन रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कॉपर 4.2 ग्राम मिला हुआ है जो आपके जानवर के कंसेप्शन रेट को बढ़ाता है यानी प्रजनन दर को बढ़ाता है। इसमें जिंक जो है वो 9.2 ग्राम मिला हुआ है और जिंक जो होता है वो आपके जानवर की WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मतलब बढ़ाता है, WBC जो होती हैं वो आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती हैं। इसमें कोबाल्ट मिला हुआ है 150 mg जो DNA सेंसिस में निहित होता है और DNA सेंसिस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके जानवरों के। इसमें सल्फर मिला हुआ है 7.2 ग्राम जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम इसमें 100 ग्राम मिला हुआ है, ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है यानी आपके जानवर के शरीर में वाटर की मात्रा यानी पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। सोडियम इसमें 6 mg मिला हुआ है और सोडियम जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है यानी ये एसिड बेस यानी अम्ल क्षार का जो बैलेंस होता है उसको और तुरंत इंस्टेंट जो एनर्जी होती है उसको जो रिक्वायर्ड होती है उसको पूरा करने के लिए उपयोग मिलाया जाता है। इसमें आपका सेलेनियम 10 mg मिला हुआ है जो एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो आपके जो जानवर की सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखता है, उसको जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, उसको ख़राब नहीं होने देता। इसमें विटामिन ए 700,000 इंटरनेशनल यूनिट मिला है जो आपके जानवर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाता है और ओवेरियन ग्रोथ को मेंटेन रखता है, जो प्रजनन ग्रंथि होती है उसको मेंटेन रखता है, उसका विकास मेंटेन रखता है। विटामिन D3 इसमें मिला हुआ है, ये आपके जानवर के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और हड्डी को मजबूत रखता है। और विटामिन D3 ये आपका 70,000 इंटरनेशनल मिला हुआ है इसमें। और इसमें है विटामिन ई जो 250 mg मिला हुआ है, ये भी आपके जानवर की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और ये प्रजनन दर को भी बढ़ाता है। और इसमें निकोटिनामाइड है, ये आपके जानवर की जो शक्ति रूपांतरण होता है, मतलब जो आपका जानवर खाता है उसको शक्ति में परिवर्तित करने के लिए जो यूज में लाया जाता है, तो निकोटिनामाइड वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो चयापचय की प्रक्रिया होती है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मिला हुआ है क्रोमियम, क्रोमियम जो है ये ग्लूकोज के अवशोषण करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये एंजाइम को सक्रिय करके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बैलेंस को मेंटेन रखता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को कम करता है। तो ओवरऑल आप इसको दुग्ध उत्पादन और अपने जानवर की प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इसको आपके जो बड़े जानवर हैं गाय भैंस घोड़ा ऊँट, उनको 50 ग्राम पर डे देना होता है। गाय भैंस घोड़ा ऊँट के बच्चे, बकरी भेड़ सुअर, इन सभी को 25 से 30 ग्राम पर डे देना होता है। मुर्गी मछली इन सभी को 1 किलो
आपका जो ये पाउडर है उसको 100 किलो जो फीड होता है उसमें मिला के देना होता है, और इसका दाम है 265 रुपये। ये आपको 265 रुपये में 1.2 किलो का पैक मिलता है। तो ये था आपका वीडियो।